I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be you. Good morning guys, Jai Shri Krishna. तो स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो बस अभी तो मैं ससुराल में आ गई हूँ और मस्त मजे की नई सुबह हो गई है और अभी बजे है 12:15। तो मैं रसोई करने के लिए आ गई हूँ और आज रसोई में है गवार की सब्जी और रोटी। वैसे आज तो सोमवार है तो सिर्फ 4 लोगों का ही बनाना है, 2 लोगों का तो उपवास है तो उसका वही खाना बनाना है। और ये देखो मैंने मेरे रूम की चद्दर निकाली है आज धोने के लिए। और अभी है ना नई वहां पे बिछाने का थोड़ा टाइम नहीं है, अभी रसोई बना लेते हैं उसके बाद देखेंगे, क्योंकि वीडियो का काम कर रही थी ना तो थोड़ा टाइम उसमें चला गया। तो बस सुबह का तो काम कंप्लीट हो गया है और आज रसोई में भी ज्यादा कुछ है नहीं, सब्जी और रोटी बनानी है और फ्राइड में कुछ कर लेंगे, वो अभी तक सोचा नहीं है लेकिन देखते हैं क्या बनाते हैं वो। गाइस देखिए ये गवार तैयार कर लिया है, ये मिर्ची है वो फ्राई करने की है और ये लहसुन भी निकाल लिया है, वैसे थोड़ा सा तो है लेकिन स्टॉक में रखने के लिए। और आज हम गवार की सब्जी में डालने के लिए लहसुन निकाल लेते हैं। और आज है ना हम डिब्बे में ये स्टोर करते हैं ना लहसुन और मिर्ची, वो मैंने सुबह सुबह क्रश कर ली है और इसमें डाल दी है। और दूध है ना आज बहुत लेट आया था तो मैंने अभी गर्म करने के लिए रखा है। और ये देखिए टमाटर यहाँ पर नहा के ऐसे पड़े हैं मस्त। और ये है लिमड़े के दातुन। और ये देखो भाई अभी तो दोपहर की रसोई भी स्टार्ट नहीं हुई है और इतने बर्तन तो हो गए हैं अभी। तो देखो यहाँ पर सब कुछ तैयार हो रहा है तो चलिए हम फटाफट अब रसोई बना लेते हैं। तो गाइस देखिए ये सब भंगार हमने निकाल लिया है माड़िए में से। और ये देखो एकदम वो ओल्ड ड्रेस भी मिला है माड़िए में से। भाभी क्या बनाना है ये सबका? ये तो किसी को पहनने के लिए देना है, मेरी शादी का है। ऐसे ड्रेस थे तभी से पहनी मुझे नहीं पसंद है मम्मी, मुझे हो जाएगा लेकिन मुझे पसंद नहीं है, बहुत वर्क है। ऐसे अभी डबल कपड़ जोड़ना पड़ेगा तभी भाभी को होगा वरना तो नहीं होगा। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोंडा। आजो आजो के मुसलमान ना देना देखिए भाई ये कपड़ा है ना, एक को ब्लाउज बनाना है और एक क्या बोल रहे मंदिर के लिए क्या बनाना है मम्मी? पर्दा। बहुत भंगार भेगा किया हुआ है हमने। तो गाइस बज चुके हैं 5 और देख लीजिए दीवू भाई खेलने लगे हैं। दोपहर में खाना खाए, आज तो आराम भी कर लिया क्योंकि आज घर ना घर पे बहुत काम नहीं था। तो बस दोपहर को चाय पानी पी लिया है, सब लोग घर से अपने अपने काम कर रहे हैं। मैं और दीवू है अभी हम दोनों वीडियो बना रहे हैं। तो आज अथर्व नहीं है ना तो उसकी बहुत याद आ रही है। तो अथर्व भाई जहाँ पे भी हो वहाँ पे उसको मिस यू। थैंक यू। बस अब तक वो था ना तो बहुत मजा आ रहा था उसके साथ खेलने का है ना, बड़ा मजा आता था। और मम्मी की भी याद आती है क्योंकि मैं है ना एक वीक रह के आई हूँ वहाँ पे। और पापा के घर को छोड़ना तो किसी को भी पसंद नहीं होता है लेकिन क्या करे, कुदरत का नियम है, आना तो पड़ता ही है। अभी शाम के खाने में क्या बनाना है वो तो पता नहीं है लेकिन देख लेंगे। और मैं है ना पापा के घर में थी ना तो मैंने मम्मी का भजन लिया हुआ है, तो आज हम वीडियो में मम्मी का भजन देखेंगे लेकिन भजन लास्ट में देखेंगे। पहले हम आज का व्लॉग देख लेंगे उसके बाद हम मम्मी का भजन देखेंगे। तो भाई बातों ही बातों में मेहमान भी आ गए हैं तो चलिए अब उसकी खातिरदारी करते हैं। तो गाइस नीचे मेहमान अभी बैठे हैं और मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाले टेरेस पे, चाय पानी पिला के सब कुछ कम्प्लीट करके मैं इधर आई हूँ। मम्मी और पापा बैठे हैं मेहमान के साथ तो मैं इधर आ गई हूँ।
इधर है ना सबसे ऊपर वाले टेरेस पे है ना बहुत अच्छा पवन आ रहा है। वैसे तो बहुत गर्मी है आज, पता नहीं विंटर आने वाला है या नहीं, वरना हर साल तो इस टाइम पे कितनी ठंडी होती है, लेकिन इस साल तो है ना मौसम ही बदल चुके है पूरी। अच्छा हमको सिखा रिया है। और गाइस ये देखिए कितना मस्त सनसेट होने वाला है, अभी पूरा रेड कलर का दिख रहा है। और देखो ये पक्षी अपने घर पे जा रहे हैं, बस ऐसा सब कुछ चल रहा है। अभी तो कोई टेरेस पे दिख नहीं रहा है, सिर्फ मैं हूँ। तो चलिए गाइस खाटला वाटला बिछा दिया है इधर, और ये चोड़ी आ गई है तो चलिए इसके दाने निकाल लेते हैं। देखिए इधर आराम फरमा रहे हैं। और कुछ काम है या नहीं आपको? काम फिनिश हो गया। फिनिश हो गया, कितनी अच्छी जॉब है यार, काश मैं भी आपके जैसे लड़का होती। उसमें क्या है? तो मैं भी अभी फ्री हो जाती ना, मेरी तो ड्यूटी चालू ही रहेगी, अभी रसोई का टाइम हो जाएगा। उसमें क्या है, वो सबकी जेंडर वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और ये दाने मत खाना, अब पूरे खा जाएंगे और मेरी मेहनत है ना पानी में चली जाएगी। पूरे नहीं खाऊंगा, थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ। हाँ वो थोड़े मुझे पता है आपका। विक्की कौशल वो भी जाते होंगे ना, उसको सिर्फ पानी पूरी वाले को फोन करने का कि चलो आ जाओ घर पे पानी पूरी का ठेला लेके, तो आ जाएगा। हाँ बट उसमें क्या मजा यार, हम लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती हो तो उस वो लाइफ का क्या मजा। अरे बहुत सारी फ्रीडम रहती है, वो हम लोगों को रहती है, सेलिब्रिटी को नहीं। सेलिब्रिटी वो कर लेते कुछ ना कुछ, फिर भी मीडिया वाले देखते होंगे तो वो भी फोटो वोटो खींच के वो दूसरे दिन सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। कैटरीना कैफ पानी पूरी खाते हुए पकड़ी गई। तो वो भी सही है ना, वो इतना फोटो डालेगा तो पत्रकार जो भी रिपोर्टर रहेगा उसका हाँ। पेट भरेगा ना, उसको जो अर्निंग हाँ। होगी। हाँ वो तो है, सबका चलता है, कुछ ना कुछ कर्म करो सबका चलेगा ही चलेगा। चलो अब धापे मारने बंद करते हैं और बताइए शाम को क्या खाएंगे। वैसे आज सोमवार है, दोपहर को थोड़ा सा ही खाया है, शाम को क्या खाएंगे? एक्चुअली दोपहर को कुछ खाना ही नहीं चाहिए, वरना फास्ट का कुछ मतलब नहीं रहता। फास्ट का मतलब दो रीत से होता है, एक तो धार्मिक रूप से सोचा जाए तो वैसा है, और एक बॉडी के वाइज सोचा जाए तो धार्मिक के रूप में सोचा जाए तो आप फास्ट के दिन कुछ ना कुछ मतलब उपवास का खाना खा सकते हो, बट अगर आप बॉडी के हिसाब से सोचे तो नहीं खाना चाहिए, एक दिन आराम देना चाहिए पेट को। मेरी बॉडी है ना भूख सहन नहीं कर सकती, क्या तो करूं? तो आप मत बोलो तो अच्छा रहेगा। तो देखो भाई रिंगणी में बहुत मस्त बैंगन भी आ गए हैं, तो अभी हम ये बैंगन फ्रेश तोड़ के अभी इसकी सब्जी बनाने वाले हैं। तो आप लोगों को भी खाना हो ना तो आ जाइए, बहुत मस्त लटक रहे देखो ऐसे। तो देखिए ये जितने फ्रेश बैंगन दिख रहे हैं ना वो सब है ना हम टेरेस से लेके आए हैं, और ये तीन बैंगन है ना वो तो मार्केट में से है। चोड़ी के दाने निकल गए हैं, वो हम फ्रिज में रख लेंगे, कल दोपहर को या परसों इसकी सब्जी बना लेंगे। तो चलिए भरवा बैंगन बनाने हैं तो चलिए मसाला बना लेते हैं अभी। तो गाइस भरवा बैंगन का मसाला देखो इसमें भर दिया है, और ये मसाला देखो अभी भी बचा हुआ है। ये बैंगन थोड़े से फ्राई करके है ना ये मसाला थोड़ा ऊपर डालना है तो अच्छी सी गाढ़ी ग्रेवी बन जाए। तो अभी पहले है ना मैं भाखरी का आटा गूंद देती हूँ, उसके बाद ये साग मैं रखूंगी गैस के ऊपर, तो भाखरी और सब्जी दोनों साथ में हो जाए। तो पहले आटा गूंद लेते हैं उसके बाद हम ये सब्जी रखते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद डिनर के साथ। तो गाइस पौने 9 बज गए हैं और हम सब लोग हो गए हैं फ्री, बहुत खाना खाया आज है ना, मैंने बहुत दिनों के बाद भेल खाई है, क्योंकि अब तक है ना भेल की बारी ही नहीं आ रही थी, कुछ ना कुछ और ही आ जाता था, तो आज मैंने भेल खाई बहुत दिनों के बाद, बहुत मजा आया। और हम सब फ्री होके जा रहे हैं हमारे बापू जी के घर पे, तो चलिए आ जाइए आप सब भी, और हम सब यहाँ पर बैठने जाने वाले है, न्यू ईयर का बैठने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सतगुरु आगे मना बाखेला एक दिन आवशे आवे से काय न करंगी राय जो अपना गुरु ये आगे मबाकिया संतो भक्तो नु ते दिन साले आर्य ते दी पापी फेरो
ओ यसु अपना गुरु ये आगे बाबा किया उत्तर दिशा थी गुरु मराया लूटा से कई सती उनी लाज जो अपना गुरु ये आगे भाकिया पानी पेला पवन फारूक से हारे ते दिन दिए नहीं वो नीर सो अपना गुरु ये आगे भाकिया नारी पासे रे नरनो नहीं सले हारे ते दिराणी करशेरा अजो अपना गुरु ये आगे भाकिया बाय बाय ने ते दी नहीं बड़े वसे यमा त्रिजो फागी जाय जो अपना गुरु ये आगे भाकिया दयने दूध ते दी नहीं मले हारे ते दी पलिए वेसाई पानी जो अपना गुरु ये आगे भाकिया संदर माना तेज जाका लागशे हारे ते दी दोरडे बलशे दीवा जो अपना गुरु ये आगे भाकिया बार वाहनु बालक भूल से हारे ये वाणी नो पड़कार जो अपना गुरु ये आगे भाकिया गुरु करता शेलो सवायो भोगवे से कई राज ने पाट जो अपना गुरु ये आगे भाकिया नागर वेल ने फल ते दिया विशे ये नो मारो वालो बांधे मीडोल सो अपना गुरु ये आगे भाकिया गुरु ने परताप देवायत बोलिया सुनो ने कई देवल देनार सो अपना गुरु ये आगे भाकिया आगे मना बाखेला एक दिन आवशे आवे से काई न कलंगी राजो अपना गुरु ये आगे भाकिया सतगुरु देवनी जे। तो गाइस बज गए हैं 12:05 और अभी हम लोग घर पे आए हैं। बहुत बाहर घूमे, बहुत मजा आया, लेकिन हम जब रात को लेट सोते हैं ना तो सुबह में बहुत नींद आते हैं। तो देखते हैं कल सुबह तो बहुत नींद आने वाली है। बस तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए मेरे वीडियो और एंजॉय करते रहिए। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।